मेरा छोटा भाई डॉक्टर सुहेल अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है, वो जिंगजो सिटी में है, सेम हुबेई प्रोविंस में है और 1 आवर की ड्राइव पे है वो वुहान सिटी से, और अभी वो रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है और 1 साल की इंटर्नशिप भी उसने वहीं उसी यूनिवर्सिटी में की है जी। नेक्स्ट आप सवाले से क्या मुतालबा है कि अभी जैसे पेरेंट्स इतना शोर किया तो वो तो कोई बात सुन ही सके, जब सुन ही सकेंगे तो कम्युनिकेशन कैसे होगा? मैं रियली डिसहार्ट हुआ हूँ, मैं यहाँ पे आया था कि मैं ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का यहाँ पे उनका वर्डिक्ट सुनना चाह रहा था कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, लेकिन मैं तो रियली ये सारी चीज़ें देख के फेड अप हूँ। इवन कि मैं जब बात करने गया हूँ वहाँ पे बताने गया हूँ कि सिचुएशन, ज़ाहिर है मेरा भी छोटा भाई है, एक कज़न है सेम उसी यूनिवर्सिटी में, वो जो हमें रिपोर्ट्स बता रहे हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है। अभी पूरा हुबेई प्रोविंस को उन्होंने लॉकडाउन किया हुआ है, वहाँ से कोई बच्ची है बच्चा है वो नहीं आ सकता, उसकी ट्रीटमेंट वहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो रही है, डेली यूनिवर्सिटी उनको खाना दे रही है डेली जो है, तो उनकी हर तरह के टेम्परेचर चेक किए जा रहे हैं, ठीक है कार्डन ऑफ किया हुआ है, सब बच्चों के लिए किया हुआ है, खाली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं किया हुआ, जो चाइनीज सिटीजन वहाँ पे मौजूद है उनके लिए भी सबको कार्डन ऑफ किया हुआ है, और ये ज़ाहिर है कि प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स है। मैं एक चीज़ मैं और भी कहना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज अगर हमारे बच्चे पाकिस्तान में आते हैं तो क्वेश्चन इज दिस कि क्या यहाँ पे इतने ज़्यादा एनएफ जो है तो सिस्टम है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं कि हमारे बच्चों का ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जा सकता है। ज़ाहिर है कि बींग अ मुस्लिम हमारा ये आइडिया है कि हम कहते हैं कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, मौत तो भाई यहाँ भी आनी है वहाँ भी आनी है, लेकिन इसको इस चीज़ को जो है तो सारे लोग समझ नहीं पा रहे, मुझे भी अपना भाई प्यारा है लेकिन वो सेटिस्फाई है अल्हम्दुलिल्लाह, एक वो नहीं उसके साथ के और जो क्लासमेट्स हैं वो भी सारे सेटिस्फाइड है। इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है, इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट ना की जाए, इससे जो और लोगों के पेरेंट्स हैं और बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी जो है तो ज़ाहिर डर रहे हैं सारी चीज़ें, तो इतनी ज़्यादा मीडिया जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मैं इसके मैडम अच्छा आप मतलब सेटिस्फाइड है सारे जो चाइनीज़ गवर्नमेंट कर रही है भाई से होता है? मेरा आप यकीन माने कि मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि डेली बेसिस पे मेरा 2 to 3 hours मैं अपने भाई के साथ स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है वी चैट पे मैं लाइव उससे बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटिस्फाई है। शुरू में थोड़ा सा जाहिर है कि नर्वस हुआ था, रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है वहीं पे है, वो उसी सिटी में है, वहाँ पे लॉकडाउन है, वो भी 3 दिन के बाद वो 1 घंटे के लिए बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप यकीन माने कि उसने एक चीज़ बताई है कि हमारी चाइना की यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो हमें डोर स्टेप पे ला के खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, डोर स्टेप पे हमारे डेली बेसिस पे थर्मामीटर चेक किए जा रहे हैं। कल उस छोटे ने मुझे ये बताया मेरे भाई ने कि कल पाकिस्तानी एम्बेसी के 2 लोग वुहान में गए और उन्होंने उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की उनकी हेल्प आउट करने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे भी जो वी चैट पे ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पे यही है कि कल अगर यहाँ पे लेट्स सपोज सेमिनार होता है एफ एड यहाँ पे जो अभी हुआ है तो वहाँ पे आपने इस तरह से मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, तो ये क्रिटिसिज्म का टाइम नहीं है, खाली मतलब हमारे बच्चे नहीं है सबके बच्चे हैं भाई, आप हर इंसान की ज़रा अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बात यह है कि जो बच्चे ज़रा मैच्योर हैं वो अपनी चीज़ को समझ पा रहे हैं, लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो डरे हुए हैं, थोड़े से प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है उसको बस ज़्यादा करके हाइप क्रिएट कर रहे हैं।